हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में वी हैव सीन अबाउट एवरेज एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास स्टूडेंट्स? द मास ऑफ एनी एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स whose numerical value is equal to the atomic mass unit। हमने atomic mass unit पढ़ा है, ठीक है, या फिर unified mass। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि ऑक्सीजन का जो यूनिफाइड मास है वो कितना है, 16U है। कार्बन का कितना है, 12U है। जब हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में यूज करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल ही होगी। फॉर एग्जाम्पल 12 ग्राम कार्बन। ओके, सो दिस नंबर इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ही लेना या ग्राम में ही एक्सप्रेस करना वो उसका क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे कि एल्यूमिनियम की फ्रेम है बोर्ड के आसपास, ओके, और हमने इस एल्यूमिनियम की फ्रेम को वे किया, ठीक, तो हमने कितना वे किया, 27 ग्राम। ठीक है, द वेट ऑफ एल्यूमिनियम फ्रेम इज कमिंग 27 ग्राम। सो दिस 27 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज आल्सो इक्वल टू द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो यूनिफाइड मास है वो भी कितना है, 27U। तो किसी भी सब्सटेंस को इतनी क्वांटिटी में लेना कि उसके ग्राम में मास के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिफाइड मास के बराबर ही हो, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास में जितने भी एटम्स होंगे पर्टिकुलर एलिमेंट के, जैसे 27 ग्राम हमारे पास एल्यूमिनियम की फ्रेम है सपोज, तो इस एल्यूमिनियम की फ्रेम में जितने भी एटम्स हैं, एक्चुअली ये जो एटम है वो एवोगाड्रोस कांस्टेंट के बराबर होते हैं, बट वो टॉपिक में लूंगी मोल के साथ। सो ये जो एटम्स हैं इनको कहते हैं 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एटम का वजन 1 ग्राम है, ठीक है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम, कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर क्वांटिटी में है तो आप क्या कहोगे, उसमें 1 ग्राम एटम है, ठीक है, इट इज हैविंग 1 ग्राम नंबर ऑफ एटम्स। ओके, सो ये होता है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नहीं करना होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हम यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करते हैं उसी को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है या उस सब्सटेंस की क्वांटिटी ग्राम में हम उतनी लें कि उसका जो मास है वो यूनिफाइड मास के बराबर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, यूनिफाइड मास क्या हो जाता है, मास ऑफ एन एटम। ओके, एंड ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाता है, मास ऑफ कैपिटल एन एटम, ठीक है। सो कैपिटल एन इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, हालांकि एवोगाड्रोस नंबर आप 9th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, विच इज 6.022 × 10³। ओके, अगर हमारे पास कोई भी एटम इस क्वांटिटी में है तो उसका जो मास होगा ग्राम में, यूनिट ध्यान रखनी है ग्राम, ठीक है, वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। ओके, तो किसी भी चीज का मास अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। हम और एग्जांपल देख लेते हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम और एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 U, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23 ग्राम, दैट्स इट। ओके, मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक, से फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का है 24 ग्राम, 24 U, सो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 24 ग्राम। ओके, सल्फर का कितना होता है 32 U, तो सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ओके, आयोडीन का कितना होता है 127 U, तो आयोडीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 127 ग्राम। ओके, तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब यूनिफाइड मास के प्लेस पर हम ग्राम में यूज करते हैं या हम उसका इतना वेट लेते हैं कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिफाइड मास के बराबर ही हो, लेकिन हम ले ग्राम में रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ओके, जैसे हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास होता है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम किसके लिए यूज करेंगे, कंपाउंड्स के केस में, ओके, या फिर मॉलिक्यूल्स के केस में, ठीक है, व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स तो हम कौन सी टर्म का यूज करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। सो लेट अस सी व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स हूज न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू इट्स यूनिफाइड मास। ओके, सेम डेफिनेशन है लेकिन अब हम किसके पर्सपेक्टिव में यूज करेंगे, मॉलिक्यूल के पर्सपेक्टिव में यूज करेंगे, मॉलिक्यूल के संदर्भ में हम अब उसे यूज करेंगे, एटम के संदर्भ में नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, वो मैंने आपको सिखाया था कि जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सपोज केन शुगर है जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, तो जब हम सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है एंड कितने कार्बन है 12 ही है, हाइड्रोजन का 1 होता है एंड कितने हाइड्रोजन है 22, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 11। ये जो जनरल कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास है बच्चों, ये आपको लर्न होने चाहिए और प्रैक्टिस के साथ ही अपने आप आपको लर्न होते जाते हैं। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे टर्म को, हालांकि मुझे सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास याद है, हमारे पास आएगा 342 U। ओके, सो दिस इज द यूनिफाइड मास ऑफ वन सुक्रोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल का यूनिफाइड मास है, उसका मास है ये। ओके, तो जब हम सुक्रोज के ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो सुक्रोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 342 ग्राम। मतलब मैंने इतनी चीनी ली है कि उसका वजन क्या है 342 ग्राम, तो मैं क्या कहूंगी, मेरे पास कितनी चीनी है, कितनी शक्कर है, 342 ग्राम, मतलब मेरे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर शक्कर है, ठीक है, मैंने कितनी शक्कर ली है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ली है। ओके, उसी तरीके से अगर हम कोई सिंपल मॉलिक्यूल लें, जैसे अगर मेरा सिंपल सा O2 मॉलिक्यूल है, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 16 × 32 U। ओके, सो ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में लेना है लेकिन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके मॉलिक्यूलर मास इन यूनिफाइड सिस्टम के बराबर ही हो, उसे हम उसका क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे।
ओके दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं हमारा अमोनिया का। ओके तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 17 यू। ओके तो अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। ठीक है दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अमोनिया। मोर एग्जांपल वी कैन टेक फॉर एग्जांपल वी जस्ट टेक CO2। ओके सो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, इफ यू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 यू। तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। ओके तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास जब हम ग्राम यूनिट में लेते हैं ठीक है, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसके यूनिफाइड मास के बराबर ही हो ठीक है, सिर्फ जो हमारा यूनिट है वो चेंज हो रहा है, हम उसे ग्राम में मेजर कर रहे हैं ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। ओके दैट इज नोन एज व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के अलावा एक टर्म और आप बहुत जगह पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज नोन एज फॉर्मूला मास। ओके फॉर्मूला मास का जो कैलकुलेशन है वो मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है, लेकिन फॉर्मूला मास हम स्पेसिफिकली आयनिक कंपाउंड्स के केस में यूज करते हैं। हम आयनिक कंपाउंड्स के केस में फॉर्मूला मास को कैसे यूज करते हैं, आई जस्ट शो यू। सो नेक्स्ट वी सी दैट व्हाट इज फॉर्मूला मास। ओके स्टूडेंट्स सो लेट अस सी व्हाट इज फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ कोर्स। सो फॉर्मूला मास की जो कैलकुलेशन है वो मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होती है, इट इज बेसिकली अप्लाइड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ओके फॉर एग्जाम्पल NaCl, KBr, CaCl2 एक्सेट्रा। ओके आयनिक कंपाउंड जो होता है हमारा बच्चा वो किससे बिना बना होता है, कैटायन और एनायन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में ये जो उसकी सिंगल यूनिट होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन का रेशियो रिप्रेजेंट करती है। ओके इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। ओके तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में इस फॉर्मूला यूनिट का जो मास होता है उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला मास। ओके दैट इज नोन एज व्हाट, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स के केस में अप्लाई कर रहे हैं। ओके जैसे NaCl का अगर हमें फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास के जैसे ही होगी। ओके कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का कितना 35.5, ऐड करेंगे तो 58.5 यू। ये हमारे NaCl का क्या आ गया, फॉर्मूला मास आ गया। अब इसी फॉर्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे 58.5 ग्राम तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास। ओके इट विल बिकम द ग्राम फॉर्मूला मास। ओके हम और निकाल के देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CaCl2। ओके वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 40, कैशियम इज 40, क्लोरीन इज 35.5 इंटू 2, सो 40 प्लस 71 इज इक्वल टू 111 यू, 111 U।
इट विल बी द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. ओके, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर द MgCl2. ओके, द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, क्लोरीन 35.5 × 2, सो 24 + 71, हाउ मच वी विल गेट, दैट इज 4 + 1 = 5, 95 U. ओके, तो इसी को U को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, 111 ग्राम फॉर CaCl2, 95 ग्राम फॉर MgCl2, ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास. सो फॉर्मूला मास की कैलकुलेशन बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की तरह ही करनी है, उसकी तरह ही इसकी कैलकुलेशन होगी. बट ये स्पेसिफिकली जो ये टर्म है हम किस केस में यूज कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड. ओके, तो अगर कहीं भी आपको फॉर्मूला मास अगर लिखा हुआ दिखे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला मास कैसे निकालें. फॉर्मूला मास भी जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स आयंस हैं उनके मासेस को ऐड करके ही आपको निकालना है. ओके, सो दैट इज नोन एज फॉर्मूला एंड ग्राम फॉर्मूला मास. सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री, विच इज वेरी बेसिक टॉपिक, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट. आई डोंट नो व्हाई बच्चे काफी घबराते हैं, पर हम मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे. एंड आई एम गोइंग टू टेक सो मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो फॉर मोल कॉन्सेप्ट. सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियोस. ओके, वी विल सॉल्व सो मेनी न्यूमेरिकल्स एंड वी विल अंडरस्टैंड मोल कॉन्सेप्ट इन डिटेल. ओके, एंड वेरी मच डिटेल एंड वेरी इजी वे. ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. बाय बाय.